प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण अध्याय 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में। पिछली कक्षाओं में आपने सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के तहत जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए कौन कौन से नियम और कौन कौन से शर्तें रखी थी कि उन्हें समुद्र यात्रा करनी होगी, विदेश यात्रा करनी होगी। और उस समय भारतीय समाज में समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को घोर पाप माना जाता था, जिसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया जाता था। छतगन, आपको इसे ध्यान में रखना होगा और याद रखना होगा। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम की शुरुआत 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अब दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग आ रहे हैं, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन। आपके हेडिंग बनेंगे नीचे में नोट्स कॉपी में, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन। हेडिंग बनाया आपने प्रतियोगी विद्यार्थियों, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, ग्रीन या रेड कलम से। वेरी गुड। हाँ, अब लिखने की कार्रवाई करेंगे तीर का निशान देके। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की थी। जिसके कारण भारत में मौजूद अन्य धार्मिक संगठनों ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईसाई मिशनरी भारत में आकर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट, तीर का निशान। यह घटना भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी थी। हाँ, अच्छागण, क्या सवाल आएंगे और क्या समझना है आपको इस टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। छतगन, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, है ना। यही मुद्दा 1857 की क्रांति का भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, ईसाई मिशनरी जब भारत में आ गई तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक संगठनों को ऐसा लगा कि भारतवर्ष में ईसाई जो मिशनरी आई है वो लोगों को बलपूर्वक या छल पूर्वक धर्म परिवर्तन करवा रही है। इससे उनके अंदर में आक्रोश की भावना आ गई और यही कारण था 1857 की क्रांति का एक धार्मिक कारण यह माना जाता है, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, क्या सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। पूछेगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति, धर्म प्रचार की अनुमति ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा दी थी। ऑप्शन में देगा 1793 का चार्टर एक्ट, दूसरा ऑप्शन देगा 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा ऑप्शन देगा 1833 का चार्टर एक्ट, चौथा ऑप्शन देगा 1853 का चार्टर एक्ट। क्या लगाइएगा प्रतियोगी विद्यार्थियों आप, 1813 का
चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी थी और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसको भी आपको पैनी निगाह रखनी है, इसे भी ध्यान देना है, इसे भी आपको मनन करना है। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ रहे हैं। लिखेंगे भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार की हस्तक्षेप की नीति, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की नीति हाँ डील करेंगे छात्रगण इसको, फिर हम लोग समझने की कार्रवाई करेंगे। पहले आप इस पॉइंट को लिखें, डील करें। हाँ लिखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या पर रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या पर रोक लगा दी। नेक्स्ट तीर का निशान, ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी। नेक्स्ट तीर का निशान, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों के कारण भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश की भावना भर गई। कंप्लीट छात्रगण? वेरी गुड छात्रगण, ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का, और इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी मनन करना होगा और एक एक चीजों को अध्ययन करना होगा, एक एक बारीक बातों को आपको समझनी होगी। छात्रगण, आखिर भारतीयों के मन में आक्रोश कहां से आया? छात्रगण, परंपराएं ऐसी चीज होती हैं जिन पर कोई भी रोक लगाता है, कुठाराघात करता है, प्रतिबंध लगाता है तो आक्रोश होता है, विद्रोह होते हैं, क्रांतियां हो जाती हैं। हमारे यहां पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, क्या था? सती प्रथा, पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था, यह एक कुप्रथा थी, है ना। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, यह भी एक कुप्रथा थी। कन्या हत्या, जिस घर में लड़की का जन्म होता था उसे मार दिया जाता था और कन्या को अपशगुनी कहा जाता था, ये सब कुप्रथाएं थी, है ना। विधवा पुनर्विवाह पर रोक, विधवाओं को समाज में बहुत ही उपेक्षित नजर से देखा जाता था, उन्हें जो है अभागा कहा जाता था और उन्हें समाज में बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा जाता था, तो विधवाओं को भी शादी करने का अधिकार नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, इन कुप्रथाओं पर रोक लगाया, सामाजिक सुधार किया उन्होंने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लग गई, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिल गई। इससे क्या हुआ कि भारतीयों को जो कि पुरातन सोच के थे, जो कि परंपरावादी सोच के थे, जो अशिक्षित थे, उनको ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार उन पर जबरदस्ती अपने नियम थोप रही है, ब्रिटिश सरकार उन पर जबरदस्ती अपने कानून को थोप रही है, उनके निजी मामलों में दखलंदाजी कर रही है, और यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी अपने आप में बहुत हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। पूछेगा आपसे सवाल कि सती प्रथा का विरोध किस महापुरुष ने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने में किनकी अहम भूमिका थी, ईश्वरचंद विद्यासागर की थी, याद रखेंगे। और इन्हीं की भूमिकाओं के कारण
अंग्रेज सरकार ने कानून बनाए, सख्त कानून को बनाया गया और इन्हीं कानून के द्वारा ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाई गई, बाल विवाह पर रोक लगाया गया, कन्या हत्या पर रोक लगाया गया, जिससे भारतीय लोग जो कि परंपरावादी सोच के थे, पुरातन सोच के थे, अशिक्षित थे, जिनकी सोच वैज्ञानिक नहीं थी, उन लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे नीतियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने जो है इस मामले में विद्रोह कर दिया। और यह घटना भी इतिहास के पन्नों में धार्मिक और सामाजिक कारणों के तहत जो है दर्ज कर दी गई, जिसको आपको छात्रगण याद रखना है। तो आपने सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के तहत जो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया है छात्रगण, पूरा मैं एक बार दोहराऊंगा। पहला पॉइंट आपने जो पढ़ा सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के तहत कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के तहत पढ़े। अब हम लोग आएंगे छात्रगण जिस पॉइंट की ओर, वो होगा सैन्य कारण। अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग बनाएंगे तुरंत, बिना रुके बिना थके, सैन्य कारण। डाक शुल्क, प्रतीक चिन्हों पर रोक, वेतन, भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव। छत्रगण ध्यान देंगे, 1857 की क्रांति के सैन्य कारणों में हम लोग तीन पॉइंट का अध्ययन करेंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। डाक शुल्क, प्रतीक चिन्हों पर रोक, वेतन भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव। सबसे पहले पॉइंट को आप डील करेंगे डाक शुल्क, लेफ्ट साइड में लिखेंगे छत्रगण डाक शुल्क। हाँ लिखें, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सैनिकों पर 2 पैसे का डाक शुल्क लगा दिया। नेक्स्ट टीका निशान। इसके पूर्व सैनिकों से डाक शुल्क नहीं लिया जाता था, इसके पहले सैनिकों से डाक शुल्क नहीं लिया जाता था नेक्स्ट तीर्थ निशान। सैनिकों पर डाक शुल्क लगाने के कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना भर गई। छत्रगण ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से आता है। छत्रगण, भारत में डाक एवं तार प्रणाली का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, भारत में रेलवे का जन्मदाता भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, भारत में जो सैन्य संगठन आप देखते हैं गोरखा रेजिमेंट, उसकी भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। लॉर्ड डलहौजी कई सुधारों के कारण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्रगण, डाक एवं ताज प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। प्रत्येक भारतीय जिन्हें अपना पत्र
कहीं भी भारत के किसी भी कोने में भेजना होता था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मात्र 2 पैसे का डाक टिकट लगा करके वह उसे कहीं भी भेज सकते थे भारत के किसी भी कोने में। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को इस कर्ज से मुक्त रखा गया था कि नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई डाक शुल्क नहीं देना है, आपका पत्र फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंच जाएगा आपके घर तक, आपके रिलेटिव्स तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन छतगन अचानक लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी कि नहीं, भारतीय सैनिकों को भी 2 पैसा डाक शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। छतगन उस समय 2 पैसे का भी बहुत ही महत्व था और ऐसी परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों को यह लगने लगा कि जिस अंग्रेजी सरकार के लिए वह इतना कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाता है विदेश यात्रा करने के कारण, वो गोली खाते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के लिए जो है हर कुछ कुर्बानी देने को तैयार हैं, आखिर उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है, आखिर उन पर डाक शुल्क क्यों लगा दिया गया है। इस कारण से सैनिकों के मन में असंतोष की भावना बढ़ गई और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गई प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। इसलिए इसको भी आपको छतगन ध्यान रखना है। क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा भारत में डाक एवं तार प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो आपको जवाब देना होगा लॉर्ड डलहौजी। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, भारत में डाक एवं तार प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, कितने पैसे का डाक शुल्क लगाया गया था, तो आपको जवाब देना होगा 2 पैसे का डाक शुल्क लगाया गया था। छतगन, 2 पैसे का डाक शुल्क सैनिकों पर लगाया जाना निश्चित तौर पर उनके अंदर असंतोष की भावना को जन्म देने लग गया था और यह घटना भी 1857 की विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई थी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग अपने कदम रखेंगे। छतगन, प्रतीक चिन्हों पर रोक, अगला पॉइंट लिखेंगे छतगन, प्रतीक चिन्हों पर रोक। रोक, हाँ लिखेंगे छतगन, इसे डील करेंगे। लिखिए तीर का निशान देके, हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने पर कौमा मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने पर कौमा सिख सैनिकों को पगड़ी बांधने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। नेक्स्ट तीर का निशान, यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। कंप्लीट, वेरी गुड। छतगन, प्रतीक चिन्हों पर रोक क्या है, यह पॉइंट समझेंगे। छतगन, धार्मिक चिन्हों पर रोक लगाना, प्रतीक चिन्हों पर रोक लगाना, यह निश्चित तौर पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति कहलाता है। छतगन, भारतीय संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कई तरह के मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु अंग्रेजों ने हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी थी और क्या कर दिया था, हिंदू सैनिकों को कहा कि आप तिलक नहीं लगा सकते हो, आप तिलक लगाने का अधिकार आपको नहीं है, है ना। मुस्लिम सैनिकों को कहा कि आपको दाढ़ी नहीं रखना है, है ना, आपको जो है दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। सिख सैनिकों पर तो अजीबोगरीब प्रतिबंध लगा दिया, उनको कहा पगड़ी नहीं बांध सकते हो। बताइए, सिख बंधु लोग जिनके लिए जो है पगड़ी अनिवार्य कहा है गुरु गोविंद सिंह जी ने, है ना, 5 का अनिवार्य बतलाए हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, केस, कच्छा, कृपान, कंघा और कवा। केस उनको कभी भी नहीं काटना है प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिएगा, है ना। पूछ देता है सवाल कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म के लिए, सिखों के लिए 5 का अनिवार्य बतलाए हैं, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे जो कि 10वें सिख गुरु थे। 5 का अनिवार्य उन्होंने क्या क्या बतलाए हैं, केस, कंघा, कवा, कृपान और कच्छा,
है ना। तो केस जब लंबे लंबे हो जाते हैं, केस को तो चूंकि कैची नहीं चलानी है, तो उन्हें पगड़ी के अंदर सिख बंधु लोग जो है उसे बांध करके रखते हैं, पगड़ी के अंदर उसको समायोजित करते हैं। तो अंग्रेजों ने पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी, तो इससे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और यह घटना भी छतगन विद्रोह का कारण बन गई थी, जिसको आपको याद रखना है, प्रतीक चिन्हों पर रोक, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आइएगा। छतगन वेतन भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव, वेतन भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव, हेडिंग बन गया छतगन। हां टिल करेंगे इसको, लिखेंगे अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में, अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था, कौमा भोजन निम्न स्तर का दिया जाता था, तथा पदोन्नति जिसे प्रमोशन कहते हैं, पद में उन्नति, पदोन्नति तो बिल्कुल नहीं दी जाती थी। यह घटना भी, नेक्स्ट चतगन तीर का निशान, यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। कंप्लीट छतगन, वेरी गुड छतगन, ध्यान देंगे क्या है ये पॉइंट। मैं इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ बताता हूं। छतगन एक सैनिक है भारतीय सेना में मंगरू, और एक सैनिक का नाम है शाहनवाज। मंगरू बेचारा शाहनवाज के पास बैठ करके रो रहा है, गंगा जमुना उसको बह रही है, आंख से आंसू गिर रहे हैं, बहुत ही रो रहा है, क्रुंदन कर रहा है। शाहनवाज भाई पूछते हैं, मंगरू क्यों रो रहे हो तुम, क्या कारण है, क्यों इतना दुखी हो, क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो, आखिर क्या कारण है। मंगरू बोलता है कि अरे हम बहुत दुखी ही हो भैया, हमारा बहुत दुख हो, हमारे कलेजा फट रहा हो। कहे का बात के तोरा दुखी 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 ही, तो का कारण हो, कहे दुखी ही बताही तू जरा। का बोलियो, हमारे साथ माइकल जो हो सैनिक, वो अंग्रेजी सेना में भर्ती होले हलो, ओकरा वेतनवा मिले हो 2000 रुपया प्रतिमा, हमरा मिले हो मात्र 500 रुपया। अब मंगरुआ फिर रोने लग गया, उसको शाहनवाज भाई बेचारे दिलासा दिला रहे हैं, पीठ तपतपा रहे हैं कि नहीं मंगरू मत रो, का करोगे, हम लोगों का यही, हम लोग गुलाम है, हम लोगों की यही नियति है, कोई उपाय नहीं है बाबू। मंगरू फिर रोने लगता है। शाहनवाज भाईजान पूछते हैं कि मंगरू अब का हुआ, अब कहे तू रो रही। बोला अरे शाहनवाज भाई का बोलियो, एकरा माइकलवा जो हो सेना में जो भर्ती होले हलो ना, इन लोग के अलग मेस हो, इन लोग के अलग भोजन इन लोग को मिलता है, इन लोग को एक से एक जो है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पनीर, पुलाव, बढ़िया बढ़िया भोजन, पूरी, हलवा सब मिलता है, और हम लोगों को क्या मिलता है, छूछे भात, दाल, पातर उबी और तरकारी, यानी कि जानवरों से भी बदतर भोजन हमें मिलता है, हम इस बात से भी बहुत दुखी ही हो। मंगरू बेचारा रो रहा है शाहनवाज भाई के सामने और अपनी दुख को प्रकट कर रहा है। मंगरू इतने पर ही नहीं मानता है, शाहनवाज भाई फिर उससे समझाते हैं, शांत कराते हैं, लेकिन फिर वो रोने लगता है। पूछते हैं शाहनवाज भाई, क्या बात है मंगरू, तुम क्यों नहीं अपने जो है क्रुंदन को कम कर रहे हो, क्यों नहीं आंसुओं को थाम रहे हो। तो मंगरू फिर कहता है कि नहीं हम बहुत दुखी हैं, हम एकदम कलेजा मेरा फटने को है। बोला अब क्या हुआ। बोला सुनना, माइकल मेरे साथ सेना में भर्ती हुआ था, मेरे साथ हुआ भी सेना में भर्ती हुआ, आज माइकल प्रमोशन प्राप्त करके मेजर बन गया है, और मैं वही का वही हूँ, सिपाही का सिपाही, मुझे 20 साल हो गए भर्ती होने के नाते अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए, लेकिन मुझे आज तक पदोन्नति नहीं दी गई, आज तक प्रमोशन नहीं दिया गया, और माइकल को देखो प्रमोशन प्राप्त करके कहां से कहां पहुंच गया। तो ये दुख था, ये दर्द था, ये कलेजा कुहकता था छतगन भारतीय सैनिकों का, ये तकलीफ होती थी उनको अंदर से कि आखिर ये भेदभाव क्यों, ये नस्ली भेदभाव क्यों, अंग्रेजों को इतनी सुख सुविधाएं कि उनका वेतन ज्यादा, उनको भोजन एक नंबर क्वालिटी का, उनको पदोन्नति जल्दी जल्दी प्रमोशन, लेकिन भारतीय सैनिकों को निम्न स्तर का भोजन,
कम वेतन, पदोन्नति तो बिल्कुल नहीं। तो यह घटना तो छात्रगण आप खुद सोच करके देखिए, क्या विद्रोह नहीं होगा? बिल्कुल होगा। विद्रोह का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो छात्रगण, सैन्य कारण के तहत हम लोगों ने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है अध्ययन किया है। एक डाक शुल्क, जो 2 पैसे का डाक शुल्क लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों सैनिकों पर, प्रतीक चिन्हों पर रोक, भारतीय सैनिक जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें कहा तिलक मत लगाओ, मुस्लिम भाइयों को कहा कि तुम दाढ़ी मत रखो, सिख भाइयों को कहा कि तुम्हें पगड़ी नहीं रखना है, यह भी आक्रोश का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर रोक। तीसरा, वेतन भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव, भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिकों को वेतन भोजन एवं पदोन्नति में अंतर किया जाता था जिसके कारण विद्रोह भड़क गया। यह भी घटना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जिसे आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आएंगे छात्रगण, अपने कॉपी में हेडिंग बनेगा, बीचों बीच अब हेडिंग बनेगी है ना, क्योंकि अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अंतिम पॉइंट है इसका, इसमें आपको जो है अब ड्राफ्टिंग नहीं करनी है जिस तरीके से हम लोगों ने यहां ड्राफ्टिंग की है ना। अब आपको लिखना है तात्कालिक कारण, प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों क्या लिखना है आपको, तात्कालिक कारण है ना। किसी भी घटना का एक ही तात्कालिक कारण होता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों है ना। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सेराजेवा हत्याकांड, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण, और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस है ना। बहुत ही हिट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं का, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें है ना। छात्रगण लिखने की कार्रवाई करें, लिखिए तीर का निशान, गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट तीर का निशान, 1857 के पूर्व भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस नामक, ब्राउन बेस लिखेंगे छात्रगण, ब्राउन बेस नामक बंदूक प्रयोग के लिए दी जाती थी। ब्राउन बेस को इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण, लाल कलम, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, प्रयोग में दी जाती थी जिसमें चर्बी युक्त कारतूस नहीं भरा जाता था, चर्बी युक्त कारतूस नहीं भरा जाता था, परंतु 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक नई राइफल इनफील्ड, इनवाइट कॉमा अंडरलाइन छात्रगण, इनफील्ड भारतीय सैनिकों को प्रयोग के लिए दी। कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उस कारतूस का सील में लगने वाली ग्रीस में अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी मिला दी थी जिसके कारण उस कारतूस की सील को हिंदू और मुस्लिम सैनिक दोनों
मुंह लगाकर खींचकर खोलते थे और हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। नेक्स्ट तीर का निशान। यह घटना विद्रोह का तात्कालिक कारण थी। यह घटना विद्रोह का तात्कालिक कारण थी। हो गया विद्यार्थियों? हां, ध्यान देंगे परीक्षार्थीगण, गौर करेंगे क्या सवाल आएंगे और क्या जवाब आपको देना है। पूछेगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। नंबर एक देगा धन का निष्कासन। नंबर दो देगा भारतीयों पर शोषण एवं अत्याचार। नंबर तीन देगा डाक शुल्क। नंबर चार देगा गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस। क्या लगाइएगा प्रतियोगी विद्यार्थियों आप लोग? गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस, यही इस विद्रोह का, इस क्रांति का तात्कालिक कारण था, गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, दूसरी बात जो आपको मनन करना होगा, दूसरी बात जो आपको अध्ययन करना होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा, इस चीज को भी आपको मनन करना होगा, इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, यह भी अपने आप में बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। छतगण ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल क्या आएगा और दूसरा सवाल का जवाब भी आपको क्या करना है। पूछेगा 1857 के पहले भारतीय सैनिकों को जो बंदूक प्रयोग के लिए दी गई थी, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस नहीं भरा जाता था, उसका क्या नाम था? तो आपको ऑप्शन देगा इनफील्ड, दूसरा ऑप्शन देगा ब्राउन बेस, तीसरा ऑप्शन देगा ए एवं बी दोनों, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाइएगा? ब्राउन बेस, है ना? उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस नाम था, ध्यान रखिएगा। छतगण पूछेगा इनफील्ड नामक नई राइफल भारतीय सैनिकों को प्रयोग के लिए किस गवर्नर जनरल ने दी थी? तो छतगण आपको याद रखना होगा उस गवर्नर जनरल का नाम, लॉर्ड कैनिंग। कब शुरुआत की थी छतगण? 1857 में। छतगण लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में भारतीय सैनिकों को इनफील्ड नामक राइफल प्रयोग के लिए दी थी और यही राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस का सील इतना ज्यादा मजबूत होता था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों कि वह सील आपके नाखून कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप चाह करके भी उसको नहीं उखाड़ सकते थे, उसे दांत लगाकर खींच कर खोलना पड़ता था और उसी के ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी लगा दी जाती थी। छतगण मैं पहले भी बता चुका हूं, गाय हिंदुओं के लिए जो है बहुत ही पवित्र है, गौ माता कहा जाता है। सुअर मुसलमानों के लिए उतना ही नापाक है, सुअर से मुस्लिम भाई लोग उतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं। सोचिए कि इन दोनों के जो है चर्बी को कारतूस में लगा दिया जाता था और हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक धर्म भ्रष्ट हो जाते थे, उनके अंदर में आक्रोश की ज्वाला भर जाती थी कि अंग्रेजों ने हर तरीके से हमारा जो है शोषण किया, हम पर अत्याचार किया, है ना, हम पर डाक शुल्क लगा दिया, हमें कम वेतन दिया, हमें खराब भोजन दिया, हमें पदोन्नति नहीं दी, है ना, हमारे प्रतीक चिन्हों पर रोक लगा दी, हर तरीके का हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन धर्म पर इतना ज्यादा प्रहार करना कि व्यक्ति धर्म भ्रष्ट ही हो जाए, एक शाकाहारी व्यक्ति को आप छल पूर्वक चीटिंग के साथ मांसाहार करवा दें, बताइए उस पर क्या गुजरेगी? आप खुद इस बात को सोच करके देखें छात्रगण। यही चीज यहां पर भी हुआ कि हमारे भारतीय सैनिकों के अंदर में जब आक्रोश की भावना आ गई कि बताओ अंग्रेजों ने हमारे धर्म को भी नहीं छोड़ा, हमने धर्म को बचा के रखा था और इस धर्म को भी अंग्रेजों ने जो है कहीं का नहीं छोड़ा, तब उनके अंदर में आक्रोश की भावना बलवती हो गई और यही भावना अंदर से जबरदस्त रूप से जो है पूरे तरीके से जो है प्रस्फुटित हो गई और इस घटना ने आग में घी का काम किया, चिंगारी जो ऐसी धधकी वो पूरे भारतवर्ष में फैल गई छतगण। और यह घटना 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ, जिसे हम लोग अति महत्वपूर्ण कारण भी कह सकते हैं, गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस, है ना। छतगण क्या सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। पूछेगा 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस। छतगण
जब आप हायर एग्जामिनेशन की ओर जाइएगा, एसएससी का सीजीएल दीजिएगा, रेलवे का एएसएम दीजिएगा, सीटेट का एग्जामिनेशन दीजिएगा, जेटेट का एग्जामिनेशन दीजिएगा, जेपीएससी का एग्जामिनेशन दीजिएगा, यूपीएससी का एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो वहां पर प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े से अलग किस्म के होते हैं। वहां पर विचार करवाता है छात्रगण, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रगण वहां आपसे सवाल पूछ देगा इसी टॉपिक से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला कथन देगा, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस था। दूसरा ऑप्शन देगा, ब्राउन बेस नामक बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस भरा जाता था। तीसरा कथन देगा, इनफील्ड नामक राइफल में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस नहीं भरा जाता था। चौथा कथन देगा, इनफील्ड नामक राइफल की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। है ना छतगन, अब नीचे ऑप्शन देगा आपको, केवल एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक चार सही है, तीन चार सही है। तो आपको क्या लगाना होगा, एक और चार सही है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि दो और तीन में जो ऑप्शन दिया है वो तो बिल्कुल गलत साबित हो गया। दो में आपको क्या दिया कि ब्राउन बेस में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस भरा जाता था। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, चर्बी युक्त कारतूस इसमें नहीं भरा जाता था। फिर क्या आपको कथन दिया तीन में, इनफील्ड नामक राइफल में चर्बी युक्त कारतूस जो है नहीं भरा जाता था। तो क्या ये सही है, इनफील्ड नामक राइफल में चर्बी युक्त कारतूस भरा जाता था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, है ना। तो ये दोनों कथन गलत हो गए और एक और चार कथन सही हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल में, रेलवे के एएसएम में और अदर हायर एग्जामिनेशन में, सीटेट वगैरह में, जेटेट में। तो आपको जब तक विषय पर पकड़ नहीं रहेगी, जब तक आप नहीं जानोगे ब्राउन बेस क्या है, जब तक आप नहीं जानोगे इनफील्ड क्या है, जब तक आप नहीं जानोगे इनफील्ड की शुरुआत किसने की थी, जब तक आप नहीं जानोगे चर्बी युक्त कारतूस किसमें भरा जाता था किसमें नहीं भरा जाता था, तब तक प्रतियोगी विद्यार्थियों इस तरह के कठिनतम प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहां पर आपको बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसपी, डीसी, बड़े बड़े पोस्ट आपको दिए जा रहे हैं, है ना, वहां पर आप इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका बेस कंसेप्ट फैक्ट सब पर कमांड होना चाहिए, तभी आप इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इसे आपको ध्यान रखना होगा। तो छात्रगण 1857 की क्रांति के सभी प्रकार के कारणों का हम लोगों ने अध्ययन किया और विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया। ये अध्ययन न केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के, बल्कि मुख्य परीक्षा भी आप देंगे जेपीएससी का, यूपीएससी का या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वहां भी आपके लिए ये संजीवनी बूटी मील का पत्थर और रामबाण की तरह काम करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसलिए इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, इसको भी आपको मनन करना होगा और एक चीजों को छतगन ध्यान रखना होगा। अगले टॉपिक की ओर हम लोग आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों, अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, स्थान एवं नेतृत्वकर्ता। स्थान एवं नेतृत्वकर्ता, कौन कौन से हमारे ग्रेट लीडर्स हुए, कौन कौन से हमारे महानायक हुए, कौन कौन से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, कौन कौन से वो प्रतियोगी विद्यार्थी। छतगण आपको ये जानना है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों कि कौन कौन से वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था। छतगण सबसे पहले हम लोग जिस स्थान के बारे में जानेंगे वो है भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। हेडिंग बनाइएगा छतगण नोट्स कॉपी में अपने बाएं साइड में,
स्थान उत्कर्ता का आपने हेडिंग बना लिया रेड या ग्रीन कलम से। हाँ, अब पुनः नीचे में लेफ्ट साइड में कॉपी में अपने हेडिंग बनाएंगे छतगन दिल्ली, ये भी रेड या ग्रीन कलम से ही बनेगा। हाँ, तीर का निशान दे करके अब आपको लिखना है, पहले लिखने की कार्रवाई होगी छतगन, फिर हम लोग इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझेंगे, पैटर्न और क्वेश्चन को जानेंगे, एक एक टॉपिक आपको एकदम जो है क्लियर कर दी जाएगी, पानी की तरह आईने की तरह साफ हो जाएगी। हाँ, लिखेंगे छतगन, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर ने किया था, किया था। नेक्स्ट, तीर का निशान, इनका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय, इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छतगन लाल कलम, इनका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय है ना, या टू था, इस तरीके से भी लिखेंगे छतगन, टू था। नेक्स्ट, तीर का निशान छतगन, इनकी पत्नी का नाम जीनत महल था, इनकी पत्नी का नाम जीनत महल था, जीनत महल को इनवर्ट कमांड लाइन में रखेंगे छतगन लाल कलम या हरा कलम से। नेक्स्ट, जीनत महल को महक परी, महक परी, इनवर्ट कमांड लाइन छतगन, महक परी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर की क्रांति के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे, लिखेंगे छतगन, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट, तीर का निशान देंगे छतगन, बहादुर शाह जफर के शासनकाल में दिल्ली में एक प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब, इनवाइट कमांड लाइन छतगन, बहादुर शाह जफर के शासनकाल में दिल्ली में एक प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी शायरी में 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण किया है, जिन्होंने अपनी शायरी में 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट, तीर का निशान, बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से दो अंग्रेज अधिकारी हडसन, ये वो हडसन नहीं है मंगल पांडे वाले, ध्यान रखिएगा, एवं निकल्सन, हडसन एवं निकल्सन ने गिरफ्तार
कर लिया था। हर्षण और निकलसन को व्हाइट कमांडर लाइन में रखेंगे छतगन। कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सरकार ने बर्मा या म्यांमार, छतगन नया नाम है इसका, म्यांमार की राजधानी रंगून में इनवाइट कमांडर लाइन में रखेंगे। रंगून में नजरबंद कर दिया, रंगून में नजरबंद कर दिया। नेक्स्ट, 1862 में इनकी रंगून में मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी रंगून में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, ठीक है निशान। इनका मकबरा रंगून में स्थित है, जिसे म्यांमार सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, जिसे म्यांमार सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। कंप्लीट हुआ छात्रगण? वेरी गुड। नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय एक प्रसिद्ध शायर भी थे तथा ये जफर के उपनाम से, इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छतगन, जफर के उपनाम से कविता एवं शायरी, जफर के उपनाम से कविता एवं शायरी लिखा करते थे। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। पूछेगा 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के तख्ते ताऊस पर कौन सा मुगल बादशाह मौजूद था? आपको जवाब देना होगा बहादुर शाह द्वितीय, है ना छतगन। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? आपको जवाब देना होगा 1857 की क्रांति। छतगन पूछेगा सवाल आपसे, 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपको जवाब देना होगा बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली में एक प्रसिद्ध शायर मौजूद थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण किया है अपने शायरी में। उस शायर का क्या नाम था? मिर्जा गालिब। पूछेगा 1857 की क्रांति के बारे में सजीव चित्रण करने वाला एक प्रसिद्ध शायर जो कि बहादुर शाह जफर के शासनकाल में दिल्ली में मौजूद था, उसका क्या नाम था? मिर्जा गालिब साहब थे। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति का सजीव चित्रण किया है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों ध्यान देंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा छतगन, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको जवाब देना होगा जीनत महल, है ना। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल को कौन सी उपाधि दी गई थी? महक परी। पूछेगा 1857 की क्रांति में महक परी की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन में देगा बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन देगा जीनत महल, तीसरा ऑप्शन देगा रानी लक्ष्मीबाई, है ना, चौथा ऑप्शन देगा अजीजन बाई। तो आप यदि नहीं जानिएगा कि जीनत महल को दिया गया था तो आप हो सकता है रानी लक्ष्मीबाई लगा दीजिए, आप हो सकता है बेगम हजरत महल लगा दीजिए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए छात्रगण याद रखिएगा, जीनत महल को ही जो है महक परी की उपाधि दी गई थी, उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें महक परी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज अधिकारी हर्षण एवं निकलसन, जो अभी आपने लिखने की कार्रवाई की है, ने कहां से गिरफ्तार किया था?
तो आपका जवाब होगा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूछेगा हर्सन एवं निकलसन को, निकलसन ने बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को कहां से गिरफ्तार किया था, दिल्ली में किस स्थान से, ऑप्शन में देगा लाल किला, है ना। दूसरा ऑप्शन में देगा आपको शक्ति स्थल, तीसरा ऑप्शन दे देगा राजघाट, चौथा ऑप्शन दे देगा कुतुब मीनार, पांचवा ऑप्शन दे देगा हुमायूं का मकबरा। तो आपको लगाना होगा हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था, है ना। पूछेगा किन दो अंग्रेज अधिकारियों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, तो हर्सन और निकलसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज को भी अपना मनन करना होगा, इस चीज को भी आपको छतगन याद रखना होगा। यह भी अपने आप में बहुत ही बेशकीमती क्वेश्चन है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, इसको भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा। पूछेगा बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर अंग्रेजी सरकार ने कहां पर नजरबंद कर दिया, तो छतगन म्यांमार की राजधानी रंगून में। उस समय से बर्मा कहा जाता था, इसका नया नाम है म्यांमार, जैसे कलकत्ता का नया नाम है कोलकाता, पांडिचेरी का नया नाम है पुडुचेरी, मद्रास का नया नाम है चेन्नई, है ना, बंबई का नया नाम है मुंबई। उसी प्रकार से जो है उस समय बर्मा कहा जाता था, वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, इसकी राजधानी रंगून में नजरबंद कर दिया गया था अंतिम मुगल बादशाह को। छतगन पूछेगा बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु 1862 में हुई थी। पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह एक प्रसिद्ध शायर भी था, ऑप्शन देगा बहादुर शाह एक, बहादुर शाह दो, बहादुर शाह तीन, बहादुर शाह चार। छतगन आपको लगाना होगा बहादुर शाह द्वितीय एक प्रसिद्ध शायर भी थे। पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह जफर के उपनाम से कविता और शायरी लिखता था, तो आपको लगाना होगा बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से कविता और शायरी लिखा करते थे, याद रखेंगे छतगन। छतगन अपने मृत्यु के ठीक पहले इस अंतिम मुगल बादशाह ने अपने देश के लिए भारत के प्रति वतन परस्ती का जबरदस्त जज्बा और जुनून दिखाया, और इनकी शायराना अंदाज में इन्होंने कहा था कि कितना बदनसीब है जफर कि मरने के पहले वतन की दो गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाई, कितना बदनसीब हूं मैं कि मरने के पहले वतन की दो गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाई, काश मुझे हिंदुस्तान की पावन मिट्टी में सुपुर्दे खाक किया जाता तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता, मैं खुदा को शुक्रिया अदा करता कि खुदा तूने मुझे अपने वतन में जो है दफन होने का, सुपुर्दे खाक होने का मौका दिया है। इन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया था अपनी शायरी में, और अपने आप में देश के प्रति, भारत के प्रति इतने निष्ठावान मुगल बादशाह थे कि मैं आपको क्या बताऊं प्रतियोगी विद्यार्थियों। इसलिए आपको याद रखना होगा कि दिल्ली में जो है नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह द्वितीय, और दिल्ली में ही विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था, और यह इस विद्रोह के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता भी थे। इस चीज को भी छतगन आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन साथ ही साथ देखिए इतिहास विषय को कैसे याद कीजिए। छतगन इतिहास विषय एक ऐसा विषय है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, डेट हैं, तिथियां हैं, है ना। तो उसको याद करने का क्या तरीका है कि किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद उसको दिमाग में दोहराइए, फिर उसको लिखिए, फिर सामने वालों को सुनाइए, तो देखिएगा कि ये एकदम पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। छतगन जैसे बहादुर शाह जफर के बारे में भी आपने पूरा कुछ सुना, समझा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को भी। अब क्या है कि आपको दोहराना है, आंख बंद आप कर लीजिए और आपका जो मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर है उसमें बायोडाटा आना शुरू हो जाए, बहादुर शाह जफर, है ना, हेडिंग बन जाए बहादुर शाह जफर, और वो अपने बारे में आपको बतला रहे हैं, मैं अंतिम मुगल बादशाह हूं, मेरा नाम, वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय है, मेरे समय में 1857 की क्रांति जैसी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, मैं इस विद्रोह का राष्ट्रीय नेतृत्व करता हूं, मेरी पत्नी का नाम जीनत महल है, जीनत महल को महक परी की उपाधि दी गई है, मुझे दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से हर्सन एवं निकलसन नामक अंग्रेज सेनापतियों ने गिरफ्तार कर म्यांमार की राजधानी रंगून में नजरबंद कर दिया, मैं जफर के उपनाम से कविता और शायरी भी लिखा करता था, मेरे शासनकाल में मिर्जा गालिब जैसे महान शायर दिल्ली में मौजूद थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का अपने शायराना अंदाज में सजीव चित्रण किया है। छतगन 1862 में मेरी मृत्यु हो गई, मेरा मकबरा जो है वह
म्यांमार की राजधानी रंगून में स्थित है, जिसे म्यांमार सरकार, बर्मा सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो इस तरीके से यदि आप याद रखिएगा कि आपके दिमाग में बायोडाटा जैसे चलना शुरू हो जाए, तो बहादुर शाह जफर का बायोडाटा चले, तो उससे जुड़े हुए हर पहलू आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए कि कौन कौन चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो बहादुर शाह जफर, वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय, पत्नी का नाम जीनत महल है ना, कौन गिरफ्तार कर रहा है, हसन और निकलसन, कहां से गिरफ्तार कर रहा है, तो हुमायूं के मकबरे से है ना, कहां भेजा जा रहा है, तो म्यांमार की राजधानी रंगून। कब मृत्यु हो रही है, 1862 में। इनकी पत्नी का क्या नाम है, जीनत महल, क्या उपाधि दी गई है, महकपरी की उपाधि दी गई है। इनके शासनकाल में दिल्ली में कौन सा शायर मौजूद है, तो मिर्जा गालिब साहब मौजूद है, प्रसिद्ध शायर है ना। इनका मकबरा कहाँ है, तो रंगून में है। इस तरीके से याद करने से मैं दावा करता हूँ छात्रगण कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा, और आपको एक एक चीजें दिमाग में याद रहेगी, एक एक चीजें आपको दिमाग में, मन मस्तिष्क में आ जाएगी कि बहादुर शाह जफर से जुड़े हुई महत्वपूर्ण चीजें, ये चीजें हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए संजीवनी बूटी और मील का पत्थर साबित होगी। छात्रगण, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको मनन करना है। और बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से तो नेतृत्व जिन्होंने किया ही था, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता भी थे 1857 की क्रांति के, इनसे भी सवाल हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण पूछे जाते हैं, इस पर आपको पैनी निगाहें रखनी होगी। तो आज छात्रगण हम लोग यहीं तक रुकेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे नाना साहब के बारे में, तात्या टोपे के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, बेगम हजरत महल के बारे में। इन योद्धाओं और क्रांतिकारियों के साथ में मिल करके आपको लगेगा कि हाँ, इन योद्धाओं ने, इन क्रांतिकारियों ने, इन देशभक्त सेनानियों ने देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और किस तरीके से अपने आप को जो है देश के लिए कुर्बान कर दिया है। ये चीजों का भी अध्ययन आपको करना होगा, इन सब चीजों का आपको मनन करना होगा, इन सब चीजों को आपको याद रखना होगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद है आप सबों को। और अगली कक्षाओं में पुनः इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, इसी अंदाज में, इसी इतिहास को रोचकता को बनाते रहे हम लोगों की पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों।